हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये भैया बारिश का मौसम है, अब इसमें भुट्टे नहीं खाया तो क्या खाया। भुट्टा हम खाएंगे आज, थोड़ा अलग तरीके से खाएंगे। चलिए देखते कैसे। इसके हम आज पकौड़े बनाएंगे। इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पे ये भुट्टा ले लिया है। ये ना बहुत ज़्यादा कड़क है और ना बहुत ज़्यादा मुलायम है। अब इसको साफ़ करके अच्छे से धुल लिया है। अब इसको इस तरीके से तोड़ करके इसको कद्दूकस करना है। इसको आराम से धीरे धीरे आपको कद्दूकस कर लेना है। और कद्दूकस करते समय ध्यान रखें आप कि जो बस केवल दाने कद्दूकस करें, उसके बाद ये जो बच रहा है इसको छोड़ दें। बस केवल दाने भर कद्दूकस करें। ये देखिए, इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है सारे। ये देखिए, इस तरीके से इसको कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे ये बेसन है, एक कटोरी के करीब। ये एक बारीक कटी हरी मिर्च है, इसमें एक छोटी चम्मच ये हल्दी का पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी हरी धनिया कटी हुई, ये थोड़ा सा चाट मसाला और आधा छोटा चम्मच ये जीरा पाउडर और नमक डाल देंगे इसमें टेस्ट के हिसाब से। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हाथ से इसको अच्छे से मिला लेंगे। एक एक चम्मच करके पानी डालेंगे इसमें। ये देखिए, इस तरीके से इतना ही गाढ़ा चाहिए आपको, जिससे कि इसकी पकौड़ियाँ आसानी से कट सके। और इसमें तकरीबन हमें 100 ml पानी लगा है। आप चाहें तो इसमें प्याज भी बारीक काट के डाल सकते हैं, हमने यहाँ पे नहीं डाला है। चलिए, अब तेल भी हमारा गर्म हो गया है। इसको पकौड़ियाँ यहाँ पे इस तरीके से छोटी छोटी पकौड़ियाँ इसकी आपको काट लेनी है। देखिए, सारी पकौड़ियाँ काट दी हैं। अब एक तरफ से सुनहरा होने के बाद इसको पलटेंगे। ये देखिए, ये हल्के सुनहरे हो गए हैं और इसको 5 से 6 मिनट लगे हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। अब इसको निकाल लेना है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया बने हैं ये पकौड़े। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा
और मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल को हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।